रहीम, शुक्रिया स्पीकर साहिबा। सबसे पहले तो मैं नहायत अफसोस के साथ जो पिछले दिनों हमारी असेंबली में माहौल बना उसमें हम सब के, मेरे समेत जो मेरे कोलीग्स इधर बैठे हुए हैं, सब के सर शर्म से झुक गए। जनाब स्पीकर, ये हाउस 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हाउस है और हमारे हलके की आवाम हमसे बड़ी उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो हमें यहाँ इस मकसद के लिए नहीं भेजते कि हम यहाँ पर माओ बहनों की गालियाँ एक दूसरे को दें, वो यहाँ हमें इसलिए भेजते हैं कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करें, अपने हलके की आवाम की बेहतरी के लिए कुछ करें। जनाब स्पीकर, हम भी पिछले 5 साल इक्तदार में रहे, हम उस साइड पे बैठते थे, लेकिन कभी भी हमारी लीडरशिप की तरफ से हमें ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि अपोजिशन का तो काम है कि आपके गलत काम की निशानदही करनी होती है। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन जो हमने माहौल देखा कि फेडरल मिनिस्टर भी बेंचों पे खड़े होके एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे थे, किताबें मार रहे थे, जनाब स्पीकर ये बड़े अफसोस की बात है। और ये हुकूमत माशी तौर पे तो पहले ही गिर चुकी थी, लेकिन अब ये इखलाकी तौर पे भी गिर गई है। जनाबे शौकत फयाज अहमद तरीन साहब ने अपना पहला और इस हुकूमत का तीसरा बजट पेश किया और हस्बे तवक्को सिर्फ अल्फाज भी वही थे, चेहरा बदला और जो जबान जिससे वो अल्फाज निकल रहे थे वो जबान चेंज हुई। जो इनकी साबका रवायत थी उसी पे इन्होंने अमल दरामद किया और किसी गरीब आदमी को इस बजट में रिलीफ नहीं दिया गया। हालांकि मैं जाती तौर पर ये उम्मीद करता था कि जितना खान साहब के दिल में आवाम का दर्द वो बार 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 टीवी पे बैठ के कहते हैं कि मेरे दिल में आवाम, गरीब आवाम का बड़ा दर्द है, और जो कंटेनर पे खड़े होके भी वो दर्द का इजहार करते रहे, मुझे उम्मीद थी कि शायद गरीब आवाम के लिए कोई बेहतरी लाएंगे। लेकिन जनाबे स्पीकर, मायूसी हुई। इस बजट में साबका बजटों की तरह सहूलतकारों को और माफियाज को रिलीफ दिया गया। और जनाबे स्पीकर, ये मेरी अकेले की आवाज नहीं, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की आवाज है। और हमारी बात पे आप बेशक यकीन ना करें, आपके हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए मेरे दोस्त भाई भी ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस बजट में भी आवाम को, गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। यहां पे डंडोरा पीटा जा रहा है कि मईशत बहुत बेहतर हो गई है, मुल्क से महंगाई का खात्मा हो गया है। मैं सिर्फ सादा से अल्फाज में ये पूछना चाहता हूं कि अगर मईशत बेहतर है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो फिर जनाबे स्पीकर हर तीसरे महीने वजीर खजाना क्यों चेंज कर दिया जाता है? और उस दिन इधर वजीर खजाना साहब ने ऐसे अपने सीने पे हाथ मार के बड़े गुस्से में कहा, मेरा बनाया हुआ बजट है। यही स्पीकर वजीर खजाना साहब 2 महीने पहले उसी जबान से इन्होंने टीवी में बैठ के खुद इस बात का इकरार किया कि इस हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसे संभालना बहुत मुश्किल है। आज वही इस बजट को डिफेंड कर रहे हैं और उनका कसूर नहीं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले जो वजीर खजाना आए
वो भी ऐसे ही हाथ मार के कहते थे कि ये हमारा बनाया हुआ बजट है, लेकिन 3 माह बाद नौकरी से निकाल दिए गए। और मैं एक और बड़ी हैरानगी की बात है और खुशी की भी बात है, इस पर तो गवर्नमेंट मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि ये इन्होंने इतना अच्छा वजीरे खजाना तलाश किया कि जो 2-3 हफ्तों में माइनस जीडीपी को उठा के 3.9 पे ले गया। ये तो जनाबे स्पीकर एक अजूबा है, और मैं ये समझता हूं कि ये दूसरा अजूबा है। एक पहले अजूबा हुआ वो सिलाई मशीन वाला, सिलाई मशीन से अरबों रुपए कमाए गए, और दूसरा अजूबा ये हुआ है। और एक मैं आपके तवसत से एक राय देना चाहता हूं कि ये बड़े काम के वजीरे खजाना है, मुझे शक है कि इन्हें कोई उठा के ले जाएगा, इनके लिए कोई स्पेशल सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। और जिस दिन से इन्होंने ये इशारे दिए हैं 3.9 के मईशत की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हकीकत में IMF भी हैरान हो गया है। वो अब परेशान है कि हमने इनको कर्जा देना है या इनसे कर्जा हमने लेना है। असद उमर साहब ने इधर खड़े होकर उस दिन बड़ी तफसील से बातें की कि हमने जिम्मेदारों के लिए ये किया, हमने जिम्मेदारों के लिए फलां काम किया, हमने जिम्मेदारों के लिए फलां काम किया। साबका हुकूमतों पे उन्होंने बड़ी इल्जाम तराशी की कि उन्होंने 100 रुपया गंदम में इजाफा किया। तो मेरी उनसे गुजारिश है, वो बड़े काबिल एहतराम है, कि ये तो आपने बता दिया कि साबका हुकूमतों ने 100 रुपया गंदम में इजाफा किया, तो साथ जो हकीकत थी, जो असल बात थी, वो भी बता देते। जिन साबका हुकूमतों की ये बात करते हैं, मैडम स्पीकर, जब हमारी हुकूमत थी, जो आज DAP की बोरी 6000 रुपए की मिल रही है, उसकी कीमत थी 2400 रुपया, और यूरिया खाद जो आज 2000 रुपए की मिल रही है, वो हमारे दौर में 1100 रुपए की थी। हमने किसान को रिलीफ दिया और बिजली फी यूनिट 5.80 रुपए हमारी गवर्नमेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहब की गवर्नमेंट में हमने किसान को दी। किसान को बगैर सूद के कर्जे भी दिए, ट्रैक्टर पे भी सब्सिडी दी, क्योंकि हम ये समझते थे कि किसान रीढ़ की हड्डी का काम करता है, अगर ये मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। और मैं यहां पे एक छोटी सी राय देना चाहता हूं, और ये बड़ी जरूरी है मैडम स्पीकर, कि आज हमारे चावल की कोई किसी मार्केट में रसाई नहीं है, चावल की कीमत बहुत कम है, और अभी चावल की फसल भी काश्त हो रही है। मैं आपके तवसत से, ये हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूं कि कोई चावल की एक्सपोर्ट का बंदोबस्त किया जाए, ताकि अगली फसल आने तक ये पुराना चावल खत्म हो जाए और इसके रेट बेहतर हो जाए, ताकि जिम्मेदार को उसकी नई फसल के अच्छे पैसे मिल सके। वजीर दफा साहब ने उधर उस दिन इधर बड़ी मजे की बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के, कि गुरबत ही खत्म हो गई है पाकिस्तान में। मैं खुश हुआ बड़ा कि बाहर जाऊंगा तो वाकई हो सकता है पाकिस्तान में गुरबत खत्म हो गई हो। जब मैं अपने लाज में पहुंचा तो मुझे किसी और वीडियो किसी ने भेजी, वो जो उन्होंने उनके मिसाइल फेंका, वो तो अल्लाह का शुक्र है इधर बच गए सारे। वो फिर मेरे में आया कि शायद ये उस मिसाइल का असर था। मेरा ख्याल है कि उनका मुआयना कराना चाहिए, शायद उनकी नजर वीक है या कोई मसला ना हो। जनाबे स्पीकर, बात हुई कारकर्दगी की,
प्राइम मिनिस्टर साहब को सवाल किया गया कि क्या अपनी कारकर्दगी पे मुतमिन है, तो उन्होंने कहा हां मुझे अपनी कारकर्दगी पे फख्र है। तो मेरा ये उनसे सवाल है कि कौन सी कारकर्दगी पे उनको फख्र है? गरीब आवाम से दो वक्त की रोटी छीनने पे फख्र है उनको, बिजली महंगी करने पे फख्र है उनको, आटा महंगा करने पे फख्र है, या इस मुल्क में करप्शन बढ़ जाने पे फख्र है? बेरोजगारी बढ़ने पे फख्र होगा और फिर हमारे कर्जों की बार बार बात करते थे, खुद दोस्त ढाई साल में 13,000 अरब रुपया कर्जा लिया, क्या इस बात पे फख्र है? और ये सारी बातें फख्र करने वाली नहीं, ये तो डूब मरने वाली बातें हैं जिन पे वो फख्र की बातें करते हैं। एक बात है फख्र करने वाली कि इन्होंने अपनी सारी अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कराए अपनी अना की खातर। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जेल गए, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी जेल गए, मुहतरमा मरियम नवाज साहबा भी गईं, हमजा साहब भी गए और बाकी काफी सारे मेरे सीनियर लीडरशिप बेगुनाह मुकदमात में जेल गए। जनाबे स्पीकर, मेरे खिलाफ 2 FIR हुई एंटी करप्शन की कि मैंने सरकारी जमीन पे कब्जा किया, और कमजर्फी का आलम यह है कि मेरे वालद साहब की 90 साल एज है, उनके खिलाफ भी इन्होंने FIR दी। कोई बात नहीं, मेरे घर की चादर चारदीवारी का तकदस पामाल किया, फिर भी कोई बात नहीं। मेरे बड़े भाई जो कि इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा, फिर भी कोई बात नहीं, हमने वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ करने के बाद मेरे हलके की आवाम को या पाकिस्तान की आवाम को उनकी जरूरियात जिंदगी सस्ते रेटों पे मिली? क्या सारी अपोजिशन को जेल में डाल के क्या पाकिस्तान की आवाम के हालात बेहतर हुए? क्या मेरे हलके की आवाम को, मेरे हलके के किसानों को खाद सस्ते रेटों पे मिली? लोगों को आटा, चीनी, गैस मेरे पे FIR देने से, मेरी फैमिली पे FIR देने से उनको सस्ते रेटों पे मिली? जनाबे स्पीकर, अस्सलाम वालेकुम, ये सब कुछ क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूं। कल भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़ा था, आज भी अल्लाह के फजलो करम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूं। और मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, इस्तकामत दे, मैं इंशाल्लाह कल भी मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा रहूं। और मेरे हलके को 20 बात की सजा दी गई कि मेरे हलके के जितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे सबको रोक दिया गया, इस वजह से कि उन्होंने वोट अजहर कयूम नारा को दिया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दिया। और मेरे हलके की आवाम का भी ये मैसेज है कि हम आज भी मियां नवाज शरीफ के साथ हैं और इंशाल्लाह कल भी मियां नवाज शरीफ के साथ रहेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो गए आपको, आखिरी मिनट है, इसमें आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैं कर रहा हूं, बस 2 मिनट, आखिरी मिनट में बात मुकम्मल करें। मैं इनसे कोई भीख नहीं मांगूंगा डेवलपमेंट की, ना खैरात मांगूंगा, लेकिन मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि जो पिछली मेरी हुकूमत के हमारे मंसूबे मेरे हलके में हैं, ये अगर उनको कंप्लीट कर दें तो इनकी मेहरबानी होगी मेरे हलके में डेवलपमेंट के काम। ये नया तो कुछ खुद तो कुछ कर ही नहीं सकते,
कोई नया प्रोजेक्ट तो ये लगा ही नहीं सकते। जनाब स्पीकर, मेरे हलके में मेरी ये यूसीज हैं, मैं जरा उनका नोखर यूसी है जनाब स्पीकर, अर्गन बंगला है, चक चौधरी है, फम्मासरा है, बब्बर यूनियन काउंसिल है, फिलोगी यूनियन काउंसिल है, रंधीर यूनियन काउंसिल है, अड़ताली विरका यूनियन काउंसिल है, मजू चक यूनियन काउंसिल है, माड़ी खुरद यूनियन काउंसिल है, और इन तमाम यूनियन काउंसिल के देहात, इन सब में जनाब स्पीकर 2017 में गैस मंजूर हुई और उसी वक्त इनके फंड करें जी, अपनी बात को मुकम्मल करें जी। स्पीकर साहब, मैं कर रहा हूं, ये आखिरी 30 सेकंड है, बात करें। नहीं, आखिरी 30 सेकंड है, थोड़ा टाइम बंद कर दूंगा जी। वो सारे फंड्स ट्रांसफर हो गए हैं महकमे को 2017 के, लेकिन उन पे काम बंद है। मेरी ये गुजारिश है कि उन पे फिल फौर काम शुरू करवाया जाए। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, राय मुर्तजा इकबाल साहब।